हिंद प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आरआरबी जेई भर्ती 2024 में टोटल फॉर्म फिलअप डाटा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जेई में टोटल फॉर्म फिलअप डाटा का हमारे पास 6 जोन का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंटों को उम्मीद थी कि बहुत सारे यहाँ पे अप्लीकेशन हो गए, लेकिन फॉर्म बहुत ही कम फिलअप हुए हैं। या देखें तो लगभग 6 जोन में 1.5 लाख भी अप्लीकेशन नहीं हुए हैं। तो टॉप 3 अभी तक में जितने हमारे पास जोन आए हैं उनके टॉप 3 सेफ जोन कौन से हो सकते हैं, जहां से यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो आपके लिए सुरक्षित माने जा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आज आप इस वीडियो में आपको आरटीआई दिखाकर इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर कमेंट कर देना। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। और चैनल पर जो पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है। एक सब्सक्राइब में ऑथेंटिक जानकारी, 100% रियल जानकारी आपके लिए ढूंढ के ही तो लाता हूं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दो आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियली आरटीआई का रिप्लाई, फिर उसके बाद मैंने इसका पूरा चार्ट बना लिया हूं और उस चार्ट से दिखा के आपको सारी चीजें देख लूंगा। देखो, ये आरटीआई आपके लिए लगाया गया था 9 सितंबर को, इसका रिप्लाई आया है। ये जो जोन है उसका नाम है अहमदाबाद। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो देख पाओगे टोटल जो यहाँ पे अप्लीकेशन किए गए 33,566 यहाँ पे टोटल अप्लीकेशन किए गए हैं। ये देख पाओगे कैटेगरी वाइज है, यूआर में 91,059,105 है, एससी में 6,022 है, एसटी में देखोगे 4,876 है। वहीं ओबीसी की बात करोगे 11,856 यहाँ पे किए गए, साथ में ईडब्ल्यूएस में 17,007 अप्लीकेशन हुए यहाँ पे। साथ में देख पाओगे ये सीएन नंबर 02 आपके लिए आरआरबी अहमदाबाद से ये आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे आया, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर किया, उस चार्ट को दिखाकर आपको बाकी आगे की जानकारियाँ डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों, आप देख पाओगे आपके सामने जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे मैंने गलती से इलाहाबाद जोन लिख दिया है, जबकि इलाहाबाद नहीं बल्कि यहाँ पर अहमदाबाद जोन होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। साथ में यहाँ पे 404 वैकेंसी नहीं, 385 वैकेंसी है और पर सीट का जो कंपटीशन है यहाँ पे वो 87 का है। इतना यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो मैंने इस टाइपिंग एरर को सही कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछली बार यहाँ पे देखोगे तो टोटल आपका पर सीट कंपटीशन 180 था, इस बार 87 हो रहा है, काफ़ी कम कंपटीशन है। तो कहने का मतलब हम अथेंटिक लगा सकते हैं कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी कम जा सकती है। साथ में हम गोरखपुर जोन की बात करें, अच्छे खासे एप्लीकेशन, या पिछली बार 150 पर सीट का कंपटीशन था, इस बार देख पाओगे 131 पर सीट का कंपटीशन है। और पिछली बार ये आपकी कट ऑफ गई थी, इस बार इससे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। रांची और सिलीगुड़ी की यहाँ पे बात करेंगे, पिछली बार 151 और 160 पर सीट का कंपटीशन था, इस बार 77 और 91 पर सीट का कंपटीशन। कुल मिलाकर सिलीगुड़ी में बहुत ही कम वैकेंसी है, 28 अप्लीकेशन भी बहुत ही कम हुए हैं। और यहाँ पर रांची में थोड़ा सा अच्छी वैकेंसी है। जम्मू जोन में देखोगे 251 यहाँ पर टोटल वैकेंसी, 116 पर सीट का कंपटीशन है, 29,203 यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। पिछली बार की बात करोगे तो यहाँ पे 78,100 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। बिलासपुर जोन की बात करोगे तो यहाँ पर देख पाओगे 72,500 2019 में स्टूडेंटों अप्लाई किया था, 404 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर देख पाओगे लगभग 50% स्टूडेंट यहाँ पर कम अप्लाई किए हैं, ना एक तरीके से 25% आप मान सकते हो। 106 पर सीट का कंपटीशन है, तो जो इनको लगता है कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी तो वो आपकी इसी के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। मैं यहाँ पे आपको हमेशा इन डाटाओं को लेके चलता हूँ और बता देता हूँ कि ये जितने भी हमारे पास जोन है, यदि आप इन सभी जोनों के टोटल को ऐड करोगे तो आपका 1.5 लाख के आसपास हो रहा है। और यहाँ पे टोटल देखेंगे तब आपके लिए 6 जोन हो रहे हैं, तो कहने का मतलब बहुत ही कम अप्लीकेशन है। यही में लग रहा था कि 20 से 25 लाख अप्लीकेशन होंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे 10 से 12 लाख में ही अप्लीकेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। अब काफ़ी स्टूडेंटों के मालडा की उम्मीदें अभी है, मुंबई की, कोलकाता के, इनके तिरुवनंतपुरम के, इनके भाई तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो मैं आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसी तरीके से यदि आप 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहते हैं और सिलेक्शन रेलवे में चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी अपडेट यहां पे मिलती रहे। साथ में ये जो ग्रीन जोन मैंने लगाया हूं, इनमें पर सीट 100 से कम कंपटीशन है, तो आपके लिए सुरक्षित हम मान सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ फन।